हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी और फुली फुली प्याज की कचौड़ी की रेसिपी। घर में बनी प्याज की ये कचौड़ियाँ खाने में टेस्टी होने के साथ ही काफी हाइजीनिक भी होती हैं, जिन्हें आप सुबह या शाम के ब्रेकफास्ट में जब भी आपका कुछ टेस्टी खाने का मन हो तब बना सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं प्याज की इन टेस्टी खस्ता और फुली फुली कचौड़ियों को बनाना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कचौड़ियों के लिए डो रेडी करना है। तो डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम मैदा लिया है। तो यहाँ पर सारे मैदे को मैं डाल दूंगी एक प्लेट में। तो अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 3/4 चम्मच नमक। यहाँ पर ये छोटा चम्मच नमक है, साथ ही यहाँ पर ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैं यहाँ पर इस तरीके से हाथ से क्रश करते हुए डालूंगी तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बीच में मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कर लूंगी और यहाँ पर इसमें मैं डाल दूंगी ये गरम घी। तो यहाँ पर ये 4 बड़े चम्मच गरम घी है, तो थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डालेंगे। अच्छे से यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मैं मोयन के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी का बचा हुआ घी भी मैंने इसमें डाल दिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये मुट्ठी बननी चाहिए। तो ये मुट्ठी इजीली बन रही है और आसानी से टूट नहीं रही है, इसका मतलब है मोयन बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर इसका हार्ड डो नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको अब इस तरीके से अच्छे से नीट कर लूँगी। इस डो को मैंने यहाँ पर नीट कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पर इसे कपड़े से ढक दूंगी और इसे रेस्ट करने दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। और जब तक हमारा ये डो यहाँ पर रेस्ट करता है तब तक हम कचौड़ियों के लिए अंदर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटा मिक्सर जार लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून या 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा, 1/2 टेबल स्पून सौंफ। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 10 से 12 काली मिर्च। तो इस तरीके से ये साबुत मसाले डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन कचौड़ियों में। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड कर लूंगी दरदरा। तो यहाँ पर इसे मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो ढक्कन खोलकर यहाँ पर मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। इस मसाले के अलावा इस स्टफिंग को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर लिया है, 2 उबले हुए आलूओं को हाथ से मैश कर लिया है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। इसके अलावा बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 बड़े चम्मच बेसन। शुरू करते हैं इस स्टफिंग को बनाना। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच हींग। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन प्याज की कचौड़ियों में। तो हींग को यहाँ पर मैं कुछ सेकंड्स के लिए इस तरीके से ऑयल में सौटे कर लूंगी ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड अदरक, इसको भी मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए इस तरीके से सौटे कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। हरी मिर्च को भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मसाला जिसे हमने बनाकर तैयार किया था, इसको भी मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इस तरीके से रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस स्टफिंग में। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें इस मसाले को भूनते समय लो रखना है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई सारी प्याज। गैस का फ्लेम मैंने अब यहाँ पर मीडियम कर लिया है। तो प्याज को हमें यहाँ पर कंटिन्यूसली चलाते हुए रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें जो प्याज का कलर है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, केवल जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए यहीं तक इसे रोस्ट करना है।
तो प्याज का यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच के लगभग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। अच्छे से यहाँ पर इन सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो बेसन डालने से एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है और दूसरा इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसन का कच्चापन यहाँ पर दूर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अच्छे से मैं यहाँ पर इसे रोस्ट करूँगी। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए अरमैश आलू। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू से भी बाइंडिंग अच्छी आती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस स्टफिंग में। लेकिन हमें यहाँ पर जो आलू की क्वांटिटी है वो कम ही रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पर ये प्याज की कचौड़ियाँ बना रहे हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर लूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है इन कचौड़ियों के लिए। इस स्टफिंग को मैं यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से फैला दूंगी ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। तो डो की तरफ चलते हैं। हाथों में मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा लूंगी और एक बार इस डो को नीट कर लूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे नीट करके इसे 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। तो एक भाग को मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा लंबा कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसे इक्वल साइज में चाकू से कट कर लूंगी। ऐसा करने से सभी पेड़े हमारे एक ही साइज के बनेंगे। तो मैं यहाँ पर ये छोटे साइज के पेड़े बना रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर बड़े साइज के भी पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हो। तो सभी पेड़े मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इन पेड़ों को मैं यहाँ पर एक बोल में निकाल लूंगी और इन्हें ढक दूंगी ताकि ये ड्राई ना हो। तो चलते हैं स्टफिंग की तरफ। तो स्टफिंग यहाँ पर ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर इस स्टफिंग के भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूंगी ताकि कचौड़ियों के अंदर इन्हें फिल करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं ये छोटे साइज की कचौड़ी बना रही हूँ, तो छोटे साइज के मैं यहाँ पर बॉल बनाकर तैयार कर लूंगी। तो अगर आप यहाँ पर बड़े साइज की कचौड़ी बना रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर इनका साइज आप थोड़ा बड़ा रखें। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इस स्टफिंग के सभी बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो मैदे का हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसको इस तरीके से थोड़ा गोल कर लेंगे एक बार। किनारों से हम यहाँ पर इसे इस तरीके से पतला रखेंगे और सेंटर का जो पोर्शन है वो थोड़ा मोटा रहना चाहिए। तो कटोरी की शेप में यहाँ पर इसे दे रही हूँ। तो इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग का बॉल। तो किनारों को मैं यहाँ पर इस तरीके से ऊपर उठाते हुए और इस स्टफिंग को प्रेस करते हुए सेंटर में ले आऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर जो ये सेंटर का पोर्शन है इसको इसी के अंदर प्रेस कर लूंगी। आप चाहो तो इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हटा सकते हो। अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे और एक बार फिर से गोल कर लेंगे। इसको अब मैं हथेलियों और उंगली की मदद से थोड़ा चपटा कर लूंगी और कचौड़ी की शेप दूंगी। आप चाहो तो यहाँ पर इसे हल्के हाथों से बेलन से भी बेल सकते हो, लेकिन हथेलियों की मदद से ये इजीली इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। किनारों को हमें यहाँ पर इस तरीके से पतला रखना है और सेंटर वाले हिस्से को थोड़ा मोटा रखना है। इसके अंदर भरेंगे स्टफिंग का बॉल्स। किनारों को इस तरीके से और स्टफिंग को प्रेस करते हुए सेंटर में ले आएंगे। इसको प्रेस कर लेंगे, हाथों से गोल करेंगे और इसे कचौड़ी की शेप देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दूसरी कचौड़ी भी बनाकर तैयार कर ली है। सेम इसी प्रोसेस से मैं यहाँ पर सभी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूंगी।
तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इन कचौड़ियों को बनाना और प्याज की ये कचौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अगर आपने इस तरीके से ये प्याज की कचौड़ियाँ बना ली तो आप इन्हें बार बार बनाना चाहोगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इन कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी कचौड़ी। तो यहाँ पर मैं एक बैच में चार ही कचौड़ियाँ फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर पूरे प्रोसेस में लो रखना है। तो यहाँ पर इन्हें अभी हमें तुरंत नहीं पलटना है। तो अब मैं यहाँ पर इन कचौड़ियों के ऊपर डालूंगी ये गरम ऑयल। इस तरीके से गरम ऑयल डालने से जो कचौड़ियाँ हैं वो फूलती हैं। तो कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक बैच की कचौड़ियों को फ्राई होने में आराम से 10 से 12 मिनट का समय लग सकता है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट का समय हो चुका है और मैं कचौड़ियों को दूसरी साइड पलट रही हूँ। पूरे प्रोसेस में हमें यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पर ही हमारी जो ये कचौड़ियाँ हैं खस्ता बनेंगी। हाई पर रखने पर इन कचौड़ियों के ऊपर बबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर अब इन कचौड़ियों का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इन्हें 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन कचौड़ियों का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है और बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी हमारी ये यहाँ पर प्याज की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। और उलटते पुलटते हुए अब मैं यहाँ पर इन्हें थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इन्हें निकाल लूंगी एक जाली वाली छन्नी में अच्छे से टैप करते हुए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो नीचे छन जाए। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही क्रिस्पी, खस्ता और टेस्टी प्याज की कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दो बैच की कचौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं और बहुत ही टेस्टी हमारी ये कचौड़ी यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर मैं इसे आपको थोड़ा पास से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर इस कचौड़ी को मैं आपको थोड़ा तोड़कर दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पर देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी खस्ता और क्रिस्पी हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल बाजार जैसी ही प्याज की कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो आप एक बार इस तरीके से इन प्याज की कचौड़ियों को ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। तो आप इन कचौड़ियों को आलू की तरीदार सब्जी के अलावा खट्टी मीठी लाल रंग की चटनी के साथ या फिर हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो, और चाय के साथ भी ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।